रणजीत सिंह रावत ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को बताया कि हम वार्ड क्रमांक 10 से समाज सेवक है। वहीं कॉलोनी की मेन रास्ता जो कि काफी सालों से टूटा हुआ पड़ा है, जिसमें बरसात के दिनों में नाला भर जाता है और उसके कारण रास्ते पर पानी भर जाता है, जिससे भरे हुए पानी से राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तो और भरा हुआ पानी घरों एवं दुकानों में भर जाता है, जिसके कारण काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस स्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टूटी पड़ी पुलिया का निर्माण कार्य कराने के आदेश दिए और रणजीत सिंह रावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में जैसे सराफा बाजार, गांधी चौक पर फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचने वाले 12 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। इस यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर समाज सेवक रणजीत सिंह रावत ने नाराजगी जताई। कहा, मजदूर वर्ग का व्यक्ति 100-500 रुपए की मजदूरी करता है और तो और हाटपाती मजदूर केवल त्योहार आने पर ही फुटपाथों पर ठेला लगाकर गुजर बसर करते हैं। उन पर तो तत्काल चालानी कार्रवाई कर दी जाती है और जो बड़े व्यापारी है उनको समझाइश देकर छोड़ दिया जाता है। यह कैसा दोहरी कार्रवाई, ये काफी टाइम से बंद ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरे घरों में पानी भर जाता है, बारिश में इतना परेशानी है और घरों में पानी भरता है, सभी घर वाले परेशान हैं, पूरी दुकान में पानी भरता है, पूरी मार्केट वाले परेशान हैं और राहगीर रास्ता है और पूरा काफ़ी टाइम से खुदा पड़ा हुआ है। प्रतिदिन इसमें जानवर, बच्चे, बाइक वाले गिरते रहते हैं और इसको मैंने काफ़ी टाइम से मैं बोल रखा था कि काम नहीं हुआ, तब जाके मैं नगरपालिका अध्यक्ष जी के पास गया। उनकी एक आवाज़ पर उन्होंने मेरे साथ पूरी नगरपालिका की टीम भेज दी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरा काम हो रहा है। वार्ड कौन सा है अपना? वार्ड क्रमांक 10 है। इसमें पार्षद भी हैं। पार्षद को मैंने बताया था, पार्षद ने कोई जवाब नहीं दिया था, उससे बिल्कुल उल्टा बोल के और चला गया। आपको क्या लगता है कि ऐसा वार्ड पार्षद वार्ड के लिए सही है? नहीं है, कोई सही नहीं है। ये चूंकि ये मेन रास्ता है और काफ़ी स्थिति यहाँ की ख़राब थी और काफ़ी लोगों को आने जाने में भी समस्या हो रही थी, पूरी सभी लोगों को समस्या हो रही थी, आने जाने वाले हम ही लोग हम रोज यहीं बैठ रहे थे, रोज आए दिन प्रतिदिन उसमें से किसी न किसी को निकालते बचाते हैं, कईयों गाड़ियाँ जाने से भी वो गाड़ियाँ भी पलटने लायक स्थिति हो जाती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऐसे सुबह पानी भर गया, सुबह बच्चे स्कूल आते हैं तो कॉलोनी से स्कूल भी बच्चे नहीं जा पाते, वापस हो जाते हैं और सुबह बेचारे को ड्रेस आ जाती है, सुबह ड्रेस गीली हो जाती है, मुझे गीली हो जाते हैं, जूते गीली हो जाते हैं, नहीं जा पाते और मेरी दुकान में इतना काफ़ी परचुनी की दुकान है, कार वाले निकलते हैं, पूरे घरों में पानी भर जाता है, कीचड़ें भर जाती हैं, जो मान लो इतनी बुरी स्थिति थी। और नगरपालिका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, तो उन्होंने इतना बड़ा काम करवा दिया। पर क्या मैं भैया बता दूँ, उन लोगों पे तो उन लोग तो अभी त्यौहार है दिवाली का, उन लोगों को तो कुछ ना कुछ करना ही है, पर उनकी अपेक्षा अगर जिस तरह का अधिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाया जाए तो उनको बेस्ट रहेगा कि अभी त्यौहारी दिवाली के बाद अगर अपन करते हैं चालन ठीक रहेगा। और ये लोग तो क्या 200-500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, इन पर चालान करने से कोई मतलब नहीं है, जो स्थाई कर रखे हैं उन्होंने, ऐसे मेरा आगे चलते हैं एसबीआई बैंक के यहाँ इतना रोड की थीम रोड बनी हुई है, बगल से थीम रोड के मतलब मुझे मान लो आधा रोड ख़त्म हो जाती है, थीम रोड आधी बंद हो जाती है, तो यहाँ पर कार्रवाई करें ना, चौराहे पर खड़े होने से थोड़ी होगी, यहाँ पर कार्रवाई करें, यहाँ पर कई गाड़ियों का चालान होगा और यहाँ पर मेरे पीछे जाते हैं तो इधर भी कोई मिष्ठान भंडार है, इधर पूरी रोड पर बाइकें बाइक खड़ी हो जाती हैं, यहाँ से गली से आने वालों को भी प्रॉब्लम आती है और रोड पे जब वाहन चलते हैं उनको भी दिक्कत आती है, यहाँ पे होगा चालान और ठेला वालों से और गरीब लोगों से चालान करने से, हाट ठेला वालों से चालान करने से कोई मतलब नहीं जी, अस्थाई इन लोगों को मोटी मोटी पूंजी वाले मोटी बिल्डिंग बना रखे हैं, इन लोगों पर चालान किया जाए तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा।